देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त पटना से आ रही है जहां पर पुलिस और पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के बीच बवाल चल रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला और उसके बाद की तस्वीरें देखी। ये पप्पू यादव के पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने मोर्चा निकाला था, राजभवन तक इनको जाना था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर पुलिस बैरिकेड्स यहाँ लगे हुए हैं। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की और हंगामा बढ़ा, उसके बाद वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा बैरिकेड्स पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है, आंसू गैस तक के गोले दागे गए और लाठी डंडे तक यहाँ पर चलाए गए हैं। दोनों तरफ से तनातनी बढ़ी तो पुलिस को ताकत दिखानी पड़ी। बाद में भीड़ बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने लगी तो हालात बेकाबू हो गए। काफी देर तक नेताओं और पुलिस वालों के बीच बहस होती रही। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पटना के पास बड़े कारोबारी और बीजेपी के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज की भिड़ंत में कुछ पुलिस वालों को चोटें भी आई। सड़कों पर किस तरह से हंगामा यहां पर जारी है, आपको बता दें पप्पू यादव की ये पार्टी है जन अधिकार पार्टी, उनके एक प्रदर्शन के दौरान यहां पर पुलिस से भिड़ंत हो गई। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला तो इधर पुलिस ने आंसू गैस और लाठी डंडे साथ ही वाटर कैनन तक हाथ में थाम लिया। राजभवन तक मार्च करना था और दोनों तरफ से तनातनी बढ़ी, उसके बाद पुलिस को ताकत दिखानी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए यहाँ पर बल प्रयोग भी हो रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हो रहा है। ठंड का मौसम है और ऐसे में वाटर कैनन का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं को दूर करने के लिए काफ़ी है, और ऐसे में उसके बावजूद कार्यकर्ता जो है वो रुकने को तैयार नहीं थे। बैरिकेड्स जो पुलिस ने यहाँ पर लगाए थे उसको तोड़ते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की तो आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े पुलिस को। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।